नमस्कार बच्चों, मैं कीर्ति कंसल फर्स्ट इन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में बसंत भाग एक के पाठ 14 लोकगीत भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित पाठ को समझेंगे। लोकगीत सीधे जनता के संगीत व घर व गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये विशेष अवसरों पर और त्योहारों पर गाए जाते हैं। इनके गाने वाले अधिकतर गाँव के लोग ही होते हैं। इस पाठ को समझने से पहले हम लेखक के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 ईस्वी को उजियारपुर जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन 12 अगस्त 1982 ईस्वी में हुआ। उपाध्याय जी ने संस्कृत, हिंदी साहित्य, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। इनकी भाषा शैली तत्सम शब्दों से युक्त साहित्य खड़ी बोली है। रचनाएं, इनकी रचनाओं में विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, कादंबरी, ठूठा आम, लाल चीन, गंगा गोदावरी, बुद्ध वैभव, साहित्य और कला सागर की लहरों पर आदि है। इनका निधन 12 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ था। अभी तक हमने लेखक के जीवन परिचय को जाना है, आइए अब हम पाठ के सारांश की चर्चा करते हैं। लोकगीत का अर्थ है लोक में प्रचलित गीत। लोकगीत ये आम जनता के गीत हैं। ये विशेष अवसरों और त्योहारों पर गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं। ये बाजों की मदद के बिना साधारण झांझ, करताल व बांसुरी, ढोलक की सहायता से गाए जाते हैं। आज लोगों की रुचि लोकगीत व संगीत की ओर बढ़ी है। विविध बोलियों में लोकगीत व साहित्य लिखा जा रहा है और लोकगीतों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रांतीय सरकारों ने भी लोक साहित्य के पुनरुद्धार में सहायता की है। आदिवासियों का ये संगीत मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। आदिवासियों के ये गीत बड़े बड़े दलों, समूहों में गाए जाते हैं और उनकी धुनों पर नृत्य भी किया जाता है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, वो अशास्त्रीय होने के कारण उनमें काफी समानता है। इन गानों के गाने की अपनी अपनी विधियां हैं, उनका नाम पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत का संबंध गांवों से है और चैता, कजरी, बारहमासा आदि लोकगीत मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से होते हैं, इससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इन गीतों के राग आकर्षक होते हैं। भोजपुरी में पिछले 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ और गाने वालों के समूह इन्हें गाते हुए गांव में घूमते फिरते हैं। जंगलों की जातियों आदि के भी दलगीत होते हैं, ये अधिकतर बिरहा में गाए जाते हैं। आल्हा के गाने भी बहुत लोकप्रिय हैं, ये प्राय बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। इनका आरंभ चंदेल राजाओं के राज कवि जगनीक से माना जाता है। इन्हें गाने वाले गाँव गाँव में ढोल लिए गाते फिरते हैं। हमारे देश में महिलाओं के गीतों की संख्या अनंत है। ये गीत भी लोकगीत हैं और इन्हें औरतें ही गाती हैं। इनको बनाने वाली भी अधिकतर औरतें ही होती हैं और विभिन्न प्रकार के गीत विभिन्न अवसरों पर महिलाएं ही गाती हैं। महिलाओं के ये गाने आमतौर पर समूह बांध करके गाए जाते हैं। गाँव और नगरों में गाने वालियां भी होती हैं जो विवाह, बच्चों जन्म आदि के अवसर पर बुला ली जाती हैं। सभी में रीतुओं में औरतें दल बांध करके गाती हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल आदि के गीत गाए जाते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। उनके गाने के साथ नाच का पुट भी होता है और गुजरात का एक प्रकार का समूह गीत गरबा है। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें विभिन्न प्रांतों के लोकगीत व संगीत से परिचित कराया है। अगली वीडियो में हम पाठ 15 नौकर को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।